नाज़रीन आदाब, वायर के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हम बातचीत करेंगे उर्दू में तबसरे की रिवायत पर, जिसको हम बुक रिव्यू के नाम से समझते हैं, जानते हैं। इस ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं, उर्दू बुक रिव्यू के एडिटर मोहम्मद आरिफ इकबाल साहब। आपका बहुत खैर मकदम है इस बातचीत में। तो जैसा अभी मैं अपने नाज़रीन को बता रहा था कि हम बातचीत करेंगे उर्दू में तबसरे की रिवायत पर, बुक रिव्यू के बारे में, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपने अपना पूरा रिसाला, पूरा मैगज़ीन ही बुक रिव्यू को एक तरह से मख्तस किया हुआ है, उसके लिए ख़ास किया हुआ है। उर्दू में आमतौर से इसकी रिवायत नहीं है। उर्दू में जो रिसाले निकलते हैं उसमें ज़मीमे के तौर पर आखिर में कुछ किताबों के तबसरे होते हैं, लेकिन आपके यहाँ पूरा रिसाला, अब पूरा रिसाला नहीं तो कम से कम तरजीही तौर पर आपके यहाँ तबसरे की एक रिवायत है। तो किताबों को इंट्रोड्यूस करवाने के अलावा ये ख्याल आपको क्यों आया कि इतने तरजीही तौर पर इसको मतलब शामिल करना चाहिए अपने रिसाले में? देखिए, ऐसा है कि जब मेरा दाखला बाज़ाब्ता बुक इंडस्ट्री में हुआ, और बुक इंडस्ट्री में बिलखसूस उर्दू बुक इंडस्ट्री में, तो उस वक्त मैंने महसूस ये किया कि जो उर्दू नाशरीन हैं, जो उर्दू पब्लिशर्स हैं, वो बहुत पसमानदा है। यानी ऐसा नहीं है कि समाज में लोग पसमानदा हैं, बल्कि ख़ुद प्रोफेशनली पसमानदा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। वो दौर गुज़र गया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का दौर, जब बहुत उरूज पे था पब्लिशिंग के अतबार से और उर्दू सहाफ़त के अतबार से। लेकिन जब मेरा दाखला हुआ इसमें और मेरा इंटरेक्शन आम तौर पर अंग्रेज़ी पब्लिशर से था, अच्छा, तो मैंने महसूस ये किया कि अगर अंग्रेज़ी पब्लिशर को अपने फ़न के अतबार से हम 10 मार्क्स देते हैं, तो शायद उर्दू पब्लिशर एक नंबर भी हासिल करने के काबिल नहीं। तो फिर मैंने महसूस ये किया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इनको ट्रेन किया जाए, इनको बताया जाए कि आप अगर प्रोफेशन में हैं, उससे कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो किताबों के ज़रिए आप अपने रीडर्स को बेहतर किताबें दें और शोर के साथ दें। सवाल ये पैदा होता है कि रीडर्स तक मालूमात कैसे पहुँचे। एक दूसरा मसला हमारे नज़दीक ये सामने था कि उर्दू रीडरशिप का ग्राफ तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा था, उसे भी आगे बढ़ाना था। उसमें एक चीज़ बहुत माने थी, वो ये कि जो चीज़ें मार्केट में तख्लीक हो रही थी, लिखी जा रही थी, उनके बारे में लोगों तक मालूमात नहीं थी। जबकि हम ये देख रहे थे कि अंग्रेज़ी में भी रिव्यू नाम से एक पर्चा निकल रहा था, अच्छा, वो मैं देखता था उसे। उसी तरह से मामूली चीज़ों पर, यानी अगर सब्ज़ी मंडी में कोई मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें घटती हैं बढ़ती हैं, तो वो भी अखबारात में लोग मालूम कर लेते हैं। यहाँ तक कि शेयर बाज़ार के बारे में भी बिल्कुल अलग से अखबारात और रसायल निकलते हैं और लोग उसको देखते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। बुक्स के बारे में क्यों नहीं? फिर मैंने मशवरा किया तो हमारे करीब कुछ साहबी थे, कुछ दानिश्वर थे, जब उनके सामने मैंने अपने इस प्रोग्राम को रखा तो उन्होंने बहुत सराहा और कहा कि बहुत टफ काम है, लेकिन बहरहाल अगर आपने तय किया है तो आप करें। फिर मैंने उनके सामने एक खाका रखा, उस खाके को भी उन्होंने ओके किया, लेकिन पूरे खाके पर अमल करना उस वक्त पॉसिबल नहीं था। मेरे जहन में जो खाका था वो मैं मुख्तसर बता दूँ कि मैं ये चाह रहा था कि उर्दू ज़बान में एक ऐसा रसाला हो जो कम से कम हिंदुस्तान में, जो हमारी बड़ी रीजनल ज़बानें हैं, उसमें जो तख्लीक हो रही, मसलन बंगला में, मलयालम में, तमिल में और दीगर ज़बानों में, उसमें कौन सी अहम किताब आई, उससे हम अपडेट कराएं उर्दू लीडरशिप को। हमें कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल ज़ीरो है।
लेकिन पहला मसला तो ये था कि खुद हम अपनी चीज़ों से नावाकिफ़ हैं, तो पहले हम उस काम को शुरू करें। तो हमने उस काम को शुरू करने का इरादा किया। बाद में उसमें मैंने दो चीज़ों को ऐड किया कि तजुर्बे के तौर पर अंग्रेज़ी किताबों को और हिंदी को। ये मेरे लिए थोड़ा आसान था और उस सम्त बढ़ने का एक रास्ता। अभी इससे आगे हम नहीं बढ़ सके। दूसरी बात ये थी कि उर्दू ज़बान को आम तौर पर लोगों के सामने जिस अंदाज से हमारे दानिशवरों ने, अदीबों ने पेश किया, वो सिर्फ अदब के दायरे में। मैंने ये महसूस किया कि जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान है, हिंदी ज़बान है या दिगर ज़बानें हैं, उसमें जितनी चीज़ें तख्लीक हो रही हैं उस एतबार से उर्दू नहीं है। एक ज़माने में था, लोग कहते हैं कि साहब उर्दू में लोगों ने तालीम हासिल करके MBBS की डिग्री भी ली, इंजीनियरिंग भी की एक ज़माने में। अब वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने लोगों को ये बताया कि हमें उर्दू ज़बान को कुल के एतबार से देखना चाहिए। उसमें जितने सब्जेक्ट हैं, सोशोलॉजी है, साइंस है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है वगैरह वगैरह, हमें तमाम चीज़ों को लेना चाहिए और उन तमाम चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि ये चीज़ें आई हैं, और इनक्रेज करना चाहिए कि इस पर वर्क किया जाए। और मैंने कुल के एतबार से लिया। तो जैसे अभी आप बता रहे थे अपनी गुफ्तगू में और पूरा एक स्केच भी हमें दे रहे थे अपने रिसाले का, तो ख़ास तौर से जब आप ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान का ग्राफ या उसकी रीडरशिप कहीं ना कहीं कम हो रही थी, और उसमें एक वजह आप ये भी मानते हैं कि समाज पसमानदा नहीं है, मतलब हम मालूमात उस तरह से फराहम नहीं कर पाते, उसके मतलब उस सिचुएशन में या उस सूरत हाल में आप इस तरह का एक रिसाला तसव्वुर करते हैं और उसको निकालते हैं, तो मुझे यहाँ पे दो बातें जाननी हैं। एक बात तो ये कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब कब से हुई, कैसे हुई वो तो एक तरह से आपने हमें बता दिया, कब से हुई और वो तसलसल अब तक जो कायम है उसको कायम रखने में आपको किसी तरह की परेशानी मतलब हो रही है, दिक्कतें सामने आ रही हैं? और दूसरी बात जो मतलब सवाल मेरा थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है कि जब आप ये कहते हैं कि हमें तमाम उलूम से, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी की मिसाल देते हैं, हिंदी की मिसाल देते हैं, कि रखा के सोशोलॉजी भी हो, पॉलिटिकल साइंस भी हो, सिर्फ अदब या लिटरेचर ना हो, तो लिखने वाले आपको आसानी से मतलब मुहैया हैं, दस्तयाब हैं? जी जी, कई सवाल हैं जो आपने बैकवर्ड किए हैं, वन बाय वन करके मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, हमने बाज़ाब्ता इसका आगाज़ किया 1995 में, 1995 में। इसका पहला शुमारा नवंबर का था और इसे मैंने माहनामा रखा था। ये रसाला सिर्फ 32 सफ़ात पे मुश्तमिल था। इस रसाले को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान्ड वे में जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं उनको मैंने भेज दिया, उसी के साथ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हेड्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं और कुछ दानिश्वर हजरात हैं, उन तमाम लोगों को मैंने भेजा। भेजने के बाद रिएक्शंस आए। उसमें सबसे पहला तबसरा बहुत इनक्रेजिंग था कि मैं उनसे वाकिफ़ नहीं, वो मुझसे वाकिफ़ नहीं। वो हैं प्रोफेसर अकील हाशमी साहब, उस वक्त उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वो उर्दू के हेड थे। तो उन्होंने उस पर एक बलीग तबसरा किया जो सियासत हैदराबाद में शाये हुआ। जब वो तबसरा मुझे मिला तो मुझे हैरत हुई कि उन्होंने 32 सफ़े के इस पहले शुमारे पर बहुत शानदार तबसरा किया था, यानी मेरी तवक्को से ज़्यादा। तो मैंने महसूस ये किया कि गोया हम लोग जिस सम्त जा रहे हैं या सोच रहे हैं उनके लिए ये चीज़ अगरचे नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा हो। फिर हमने अपने सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाया, लेकिन दिक्कत हमारे साथ ये थी कि हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आपको हैरत होगी कि फर्स्ट डे हमें 5 या 6 लाइफ मेंबर मिले, तो लाइफ मेंबर ने जो पैसे दिए थे उस पैसे से मैंने वो रिसाला गोया शाये किया था और उसे लोगों तक भेजा था। फिर उसको और भी जगहों पर इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने अपनी जेब से उसमें लगाया और इस तरह से। तो ये फैसला हुआ था कि पहले हम माहनामा होते हुए भी इसे बाई मंथली रखेंगे और जब हालात बेहतर हों तो फिर हम इसको माहनामा की तरफ ले आएंगे। इत्तेफाक ये है
कि ये सिलसिला तकरीबन 12 बरसों तक जारी रहा और ये माहनामा नहीं हो सका, बाई मंथली निकलता रहा। उसके बाद एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ RNI में, उन्होंने उससे कहा कि भाई अगर आप नहीं कर सकते हो तो क्यों ना आप इसको क्वार्टरली कर दें। अच्छा, फिर हम लोगों ने उस पर गौर किया, फिर हमने कहा कि ठीक है इसे क्वार्टरली कर लिया जाए। तो तकरीबन 12-13 साल के बाद हमने इसको बाज़ाब्ता क्वार्टरली कर दिया। अब ये सहमाही है, लेकिन एक शुमारा भी आज तक इसका रुका नहीं है और ये 1995 से आज तक। तो इसीलिए मेरा सवाल था, चूँकि किसी रिसाले को इस तसलसल के साथ निकालना मतलब सिर्फ हैरत की बात नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या वो रीडरशिप आपको हासिल है जो रिसाला खरीद कर पढ़ने लगा है। जी देखिए, ऐसा है कि जब ये चीज़ें लोगों तक पहुँची तो मैं महसूस ये कर रहा था कि रीडरशिप मुझे ज़रूर मिलेगी, इसलिए कि देखिए हर माशरे में अगर कमतरीन दर्जे पर भी लोग हों तो कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं कि जिनकी जिनसे हमें मदद मिल सकती है या जिन तक जिनको हम फीडबैक दे सकते हैं। तो आपको हैरत होगी कि जिस वक्त मुझे ये मालूम हुआ कि माहनामा आज कल का सर्कुलेशन सिर्फ 400 है, अच्छा उस वक्त हमारा सर्कुलेशन 1000 था, आज हमारा 2000 है, और 2000 का ग्राफ जो है वो ऐसा मेंटेन है कि पूरी दुनिया में ये रिसाला जाता है। और इस रिसाले के बारे में जो हमें रिपोर्ट मिलती है वो ये है कि इस एक रिसाले से एक तालीमी अदारा है वो हमें रिपोर्ट करता है कि ये रिसाला है, उसके वहाँ जो 5000 तलबा हैं वो उससे इस्तेफादा करते हैं। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें लीडरशिप के हिसाब से जी, बेचने के बाद नहीं, लेकिन हमने इसको कमर्शियली इस तरह से नहीं बनाया है कि हम इसको बेच कर कुछ हासिल करेंगे। हमें तवक्को नहीं है कि हमें इश्तहार भी मिले, इसलिए कि इश्तहार का ये पर्चा है भी नहीं जी। लेकिन हमें जो मकसूद है वो ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। 2008 के आसपास मैसाचुसेट की जो लाइब्रेरी है MIT उसने लाइफ मेम्बरशिप ली, तो मुझे ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ कि गोया हम एक ऐसी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं कि जो उनकी भी ज़रूरत है जी। और शायद ये पहला रिसाला है उर्दू का जिसे वहाँ MIT की लाइब्रेरी में लाइफ मेंबरशिप मिली है। दूसरी बात यह है कि ये पहला रिसाला है कि फर्स्ट डे से सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने इसकी एजेंसी ली और उनके पास इसके बायर्स हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन पाबंदी से उस दिन से लेकर आज तक वो मंगा रहे हैं और हम उनको भेजते हैं। तो जैसे मैंने अभी सवाल कर लिया था, मैं सिर्फ उसको आप याद दिला रहा हूँ आपको कि जब हम बात करते हैं उर्दू में ख़ास तौर से तो लिखने वाले और अच्छे लिखने वाले की बात करें तो और मायूसी होने लगती है, लेकिन आपके रिसाले में लिटरेचर के अलावा भी मतलब उर्दू ज़बान सिर्फ एक मीडियम के तौर पर आपके यहाँ दिखाई देता है कि आप तमाम सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं एक तरह से कवर करते हैं, तो आपको इस तरह से लिखने वाले कैसे मुहैया हैं, कैसे फराहम हैं? ऐसा है कि हमने बाज़ाब्ता जो रिव्यू करने वाले हैं, जो मुबस्सिरीन हैं, उनका हमने पैनल बना रखा है ऑल ओवर इंडिया, और हम बाज़ाब्ता उनको किताबें यहाँ से उनके सब्जेक्ट के हिसाब से हम उनको बाज़ाब्ता भेजते हैं डाक के ज़रिए, उनको परसू करते हैं और वो हमारे लिए लिखते हैं, लिखकर वो भेजते हैं फौरी तौर पे और फिर हम उसको शाय करते हैं। एक मकसद तो सब्जेक्ट के अतबार से, ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी उर्दू लिटरेचर का है तो उसे हमने हिस्ट्री की कोई किताब भेज दी। कोशिश हमारी ये होती है कि जो हिस्ट्री जानने वाला हो उसे हम हिस्ट्री की किताब दें जी। तो एक मकसद तो हमें ये समझ में आता है कि आप किताबों के तौर पे या नई किताब या न्यू अराइवल क्या है उससे लोगों को बाखबर करते हैं, लेकिन आपके रिसाले में ये बात जहाँ तरजीही तौर पे है मौजूद है, वहीं हम ये देखते हैं कि आप फ़नकारों से सवाल करते हैं, कहीं ना कहीं उनका इंट्रोडक्शन छापते हैं, वफ़ियात का एक पूरा कॉलम है, या PhD या तहकीक जिस तरह से हो रही है उसके बारे में भी मतलब खबर देने की कोशिश होती है आपकी, तो इन तमाम चीज़ों को मुहैया कैसे करते हैं और इनको मतलब फराहम करने या लोगों तक पहुंचाने के पीछे आपका मकसद क्या है? देखिए, ऐसा है कि मुहैया कैसे करते हैं ये तो सवाल मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, ये तो हमारा पर्सनल मामला है, उसमें कितनी मेहनत मुझे लगती है और मैं इस काम में आपको बता दूँ
कि मैं तन्हा हूँ, मेरा कोई मुआविन नहीं है, मेरे हाथ पांव मेरे रीडर्स हैं या वो हमदर्द हैं जो उर्दू से हमदर्दी रखते हैं और मेरे टच में रहते हैं, लेकिन टेक्निकली जितने काम करने हैं वो सब मैं तन्हा करता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने दूसरा जो सवाल किया है कि क्या फ़ायदा है, मकसद क्या है। देखिए ऐसा है कि अव्वल दिन से हमारे जहन में ये बात थी कि हम उर्दू रीडरशिप को या जो उर्दू पढ़ते हैं पढ़ते लिखते हैं उनको हम अपडेट करेंगे, उनकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। अगर हम उनकी मालूमात में इजाफा करते हैं तो उनका शऊर बालिदा होगा, अच्छे अब समाज में वो अच्छे फैसले दे सकेंगे। अगर वो दानिश्वर भी होंगे तो पूरी मालूमात के साथ होंगे, यकतरफा मालूमात उनके पास नहीं होगी। तो इस लिहाज से मैंने कई तरह की चीज़ें इसमें शामिल की, जैसे आपने किताब ज़िंदगी का हवाला दिया, ये उन लोगों की फैज थे जो हयात से हैं। हम उनसे सवालात इसलिए करते हैं कि उनके सवाल का जवाब नई नस्ल जो न्यू जनरेशन है वो मालूम करे, वो देखे और फिर वो गौर करे कि ये किस तरह से सोचते हैं। दूसरी बात ये है कि एक ऑबिचुअरीज़ का जो कॉलम है हमारा वो बहुत एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव इस माना में कि अगर कोई वाकया हुआ, किसी का इंतकाल हुआ, किसी की डेथ हुई, तो अब उस शख्स के बारे में पूरी मालूमात हमारे पास होनी चाहिए। इस तरह की कोई चीज़ अंग्रेज़ी में तो मिलती है, उर्दू में नहीं मिलती है। या उर्दू में अगर मिलती भी है, जैसे मालिक राम साहब ने तस्किरे की एक किताब लिखी और उसकी बड़ी तारीफ हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि एक नाम दिया और कब पैदा हुए और कब उनकी डेथ हुई, ठीक है, एक कभी कभी किसी शख्सियत के बारे में एक आध जुमला और ऐड कर दिया, मैंने मुकम्मल दिया। दूसरी बात यह है कि मेरे नज़दीक सिर्फ अदब से रिलेटेड लोग नहीं, अदब के अलावा जो समाज का हिस्सा है उसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका इंटेलेक्चुअली बहुत बड़ा मकाम है, तो उनको भी हम लेते हैं। मसलन हम एक मिसाल देंगे कि आरएसएस के चीफ का इंतकाल हुआ सुदर्शन जी का, मैंने सुदर्शन की ऑबिचुअरी भी इसमें दी। 2008 में आपके पी हंटिंगटन का इंतकाल हुआ जिसकी किताबें बहुत लोग कोट करते हैं, मैंने उर्दू लीडरशिप को बताया कि सैमुअल पी हंटिंगटन कौन था और मुकम्मल मालूमात थी। तो इस तरह से हम कवर करते हैं, एक प्रोफेसर है उसको भी और एक इंटेलेक्चुअल है उसको भी, और उसका ताल्लुक कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान से हो, हिंदुस्तान से बाहर भी हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, हाँ उर्दू दुनिया जो है समझा उससे हो। और उर्दू दुनिया के अलावा भी कुछ लोगों को हम कवर कर लेते हैं ताकि उर्दू दुनिया अपडेट रहे। आमतौर पर जो लोग अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते हैं या दूसरी ज़बानों से उनका रब्त नहीं होता है, उनको तो भरोसा होता है कि साहब उर्दू में अगर हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो हमारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक जितनी चीज़ें निकल रही थी अखबारात की शक्ल में, मैगजीन की शक्ल में, उसमें वो इजाफा नहीं होता था जैसा होना चाहिए। तो मवाद के एतबार से या फिर उसके तनवु के एतबार से हम देखें या फिर कि जिस तरह से आप अलग अलग चीज़ों को उठाते हैं और रीडर को पहुंचा देते हैं, तो ये मतलब बहुत अच्छा लगता है बात करते हुए, सुनते हुए और आपके रसाले में देखते हुए। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से क्या हमें इस तरह की कोई बात बता सकते हैं कि उर्दू की सूरत हाल बहुत अच्छी है? देखिए राबते की ज़बान तो है, लिंगुआ फ्रैंका जिसको कहते हैं वो तो है, लेकिन ये इल्मी ज़बान है या नहीं इसमें मुझे डाउट है। दूसरी बात यह है कि तालीम की ज़बान अब ये कम हो गई है, यानी इसका ग्राफ मेरा ख्याल है कि कम से कम 70% कम हो गया है, 30% बरकरार है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़बान से ताल्लुक़ उसी वक्त मजबूत होता है, किसी भी ज़बान से, कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, कोई भी ज़बान हो, कि जब तालीमी एतबार से मजबूत हो, यानी उस ज़बान में उसकी तालीम हो, तभी उससे वो अटैचमेंट कायम रहता है। मैं एक मिसाल दूंगा आपको उर्दू की कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक राइटर ऐसा था, एक ऐसा तख्लीकार रहा जिसने हिंदुस्तान में इनकलाब पैदा कर दिया, बिल्कुल बहुत छोटे तबके से लेकर
अब बहुत हायर लेवल तक, वो शख्स है जिसका नाम है इब्न सफ़ी। अच्छा, इब्न सफ़ी ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि और वो ज़बान इस्तेमाल की है कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ आज में, आज जो मीडिया है बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो चाहे तो उसके उस डायलॉग्स को, उस मुकालमाती ज़बान को अगर मश्क कर ले तो वो हमारे लिए बेहतरीन ज़बान बन सकती है, इसलिए कि उसका मयार ना बहुत ज़्यादा सकील है और ना लोअर है, एक ऐसे एतदाल पर है, बेहतरीन ज़बान है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स उर्दू सीख रहा है तो उर्दू उसने सीखी 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने में, लेकिन 1 महीने के बाद उर्दू में वो कैसे वेल वर्स्ड हो, अगर उसे 4 या 5 नावल इब्न सफ़ी का वो पढ़ ले तो उसकी उर्दू बेहतरीन हो जाएगी, समझा। अब काफ़ी बड़े बड़े लोग, मैं कई प्रोफेसर ने कहा कि मैंने उर्दू सीखी है इब्न सफ़ी से और सीखने के बाद मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि मैं उर्दू का प्रोफेसर हुआ और अब रिटायर्ड हो गया, उनका बैकग्राउंड ये रहा, समझा। लेकिन इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि अभी तक इब्न सफ़ी को वो मकाम नहीं अदब वालों ने दिया है, उन नक्कादों ने जो उनका मकाम है, उनका मकाम इतना बड़ा है कि लोगों ने कलाम तो किया है, अब मजमू गौरव पूरी साहब ने भी कलाम किया है, तारीफ भी की है, लेकिन समाज से और दिगर लोगों को देखते हुए वो खामोश रह गए, वो आगे नहीं बढ़े, कुछ कहा नहीं उन्होंने। तो आपका एक कहीं ना कहीं मतलब पब्लिशिंग इंडस्ट्री से भी वाबस्ता है? देखिए, पब्लिशिंग इंडस्ट्री से वाबस्तगी मेरी इस एतबार से है कि चूँकि मैं एक बड़ी कंपनी में पब्लिशिंग मैं प्रोडक्शन मैनेजर भी रहा हूँ और मैंने उसमें बाज़ाब्ता तरबियत हासिल की और सबसे ज़्यादा मेरा अटैचमेंट रहा एक बहुत बड़े इदारे से, वो बुक इंडस्ट्री में तरबियती कोर्स का सबसे बड़ा इदारा ओपी घई साहब ने तैयार किया था, उनके बेटे अभी उस इदारे को चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बुक पब्लिशिंग ग्रीन पार्क में है, अब शायद उनका नोएडा में चला गया है, मिस्टर एस के घई, उस इदारे में भी मैंने गोया पब्लिशिंग एक तरह से वर्कशॉप अटेंड किया, उनसे इंटरेक्शन मेरा रहा है, तो मैंने महसूस ये किया कि इस इंडस्ट्री को वो लोग कैसे आगे ले जा रहे हैं, इनको कैसे ले जा रहे हैं। इसमें मैं एक बात ऐड करूं कि जो पसमानगी की जो बात की मैंने वो ये उर्दू में, तो उस वक्त मैंने पूछा आप ISBN जानते हैं, तो नहीं नहीं जानता, मैं उनसे पूछा ISSN जानते हैं, नहीं जानता, और सबसे वाइटल क्वेश्चन मैंने किया कि एक पब्लिशर जो पार्लियामेंट की एक्ट के मुताबिक 52 में गालबन वो एक्ट बना था जिसमें हर पब्लिशर को अपनी नई किताब हिंदुस्तान की 4 लाइब्रेरियों को भेजना ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, उसके अलावा 3 लाइब्रेरीज हैं जो एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक मद्रास में है, अगर हम नहीं भेजते हैं तो पनिशेबल हैं, वो नहीं भेज रहे थे जी। मैंने उस पर मजमून लिखा, मैंने परसों किया, उनको बताया ISBN क्या है, आप ISBN कैसे ले सकते हैं, तब उसके बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली पैदा शुरू की। आज जो आप देख रहे हैं कि उर्दू किताबों में ISBN या बार कोड या इस तरह की चीज़ें नहीं जानते थे, समझा। तो मैंने चूँकि इसी फन से मेरी वाकफियत थी तो ये पर्चा जो है ये असल चीज़ यह है कि प्रॉफिट मेकिंग शुरू से नहीं रहा है, इसमें हमने लगाया है, तो मैंने इसी इंडस्ट्री को चूज़ करके मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एडिटिंग के साथ पब्लिशिंग का काम मैंने शुरू किया, तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे ऐसे ऑथर्स और ऐसे लोग हैं जिनको अगर कोई भी किताब, कोई भी वो मैनुस्क्रिप्ट तैयार करते हैं तो मुझे भेजते हैं, मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद पब्लिश करके फिर मैं उन्हें देता हूँ, ये काम मैं अप्लाइड बुक्स के नाम से करता हूँ।
तो आखिर में बहुत मुख्तसरन मतलब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका मतलब एक पब्लिशिंग हाउस में जुड़े होने के नाते, व्यवस्था होने के नाते, पाकिस्तान से भी बहुत मतलब लेन देन का मामला रहता है किताबों को। देखिए, लेन देन का मामला तो नहीं है पाकिस्तान से, मैं समझ गया आपका जी, आपका सवाल। नहीं, मैं असल उसमें क्या सियासी दखल अंदाजी या किस तरह की परेशानियाँ, मैं वो असल आपसे पूछ रहा था जी। देखिए, पाकिस्तान से मेरा रबता इस एतबार से, इंटेलेक्चुअल के एतबार से शुरू से रहा है। उर्दू बुक रिव्यू का हर शुमारा पाकिस्तान के जितने बड़े इदारे हैं, लाइब्रेरीज हैं, वहाँ जाता है, आज भी जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से भी मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, वहाँ के रसायल खुद अंजुमन तरक्की उर्दू या और भी दीगर जो इदारे हैं, उर्दू साइंस बोर्ड या इस तरह के इदारे हैं, उनके पास से मेरे पास मैगजीन्स आते रहते हैं। वहाँ से कोई बिजनेस नहीं है, ये बात तो बरसों से चल रही है कि अब शुरू होने का है, अब शुरू होने का है, लेकिन हैरत की बात है और अफसोसनाक बात है कि हम किताबों का बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि एक्सचेंज होता है, मसलन कि अगर हम वहाँ के किसी शख्स को यहाँ की 10 किताबों की ज़रूरत है तो हमने उन किताबों को उनको भेज दिया, और हमें वहाँ की कुछ किताबों की ज़रूरत है तो वो जो है, यानी कि वो बार्टर सिस्टम जो था शुरू में जब करेंसी नोट्स और इस तरह की चीज़ें राज नहीं थी, तो आज भी हम उसे इस दो मुल्कों के दरमियान उस बार्टर सिस्टम के साथ चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए इस बातचीत के लिए। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप द वायर उर्दू पर जाकर अरबिस्तान के कॉलम में इस तरह की बातचीत मुलाहिदा कर सकते हैं। टू रिसीव इंस्टेंट अपडेट्स ऑन ऑल वीडियोस फ्रॉम द वायर, क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकॉन। पे टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चूज द अमाउंट यू वॉन्ट टू पे।